अनेक तरीके से व्यवस्था के वो विरोध है, और उस सारी चीज के लिए मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना क्योंकि मामला विचाराधीन है कोर्ट में, तो इसलिए सरकार बचने की गुंजाइश है कहाँ। हम तो सिर्फ एक ही चीज कह रहे हैं कि जब बहुमत भारतीय जनता पार्टी का होगा तो सरकार कांग्रेस की नहीं होगी। ये सभी फैक्टर जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं, तो आप मानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव के पश्चात प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो नैतिक अधिकार खो चुकी है, नजरों से गिर चुकी है, बहुमत में गिर चुकी है। और जब ये 9 सीटों के चुनाव, 6 के जो तय हो गए हैं, 3 के भी अगर साथ में होते हैं तो बहुमत में भी गिर जाए। क्या राष्ट्रपति शासन विकल्प होगा? नहीं, कोई विकल्प की इस तरह की बातें आज करने की आवश्यकता नहीं। आपने एक बात की सुरक्षा की बात की कि एक विधायक के ऊपर 30 कमांडो रहते हैं। हमारे चाहे पालनपुर विधानसभा 16 विधानसभा क्षेत्र है, कहीं भी लाख से ज्यादा लोगों के लिए 15 से 18 मुलाजिम थाने पे होते हैं और एक आदमी के लिए 20 लोग लगे होते हैं और कुछ बटालियन में है। तो इससे जो ये अपराध है बढ़ रहा है, उन लोगों को विधायकों की सुरक्षा से छोड़ के जनता की सुरक्षा में क्यों नहीं लाते? निश्चित रूप से मैं इस बात को पहले कह चुका हूं, विधायकों की सुरक्षा के लिए 20-20 कमांडो की आवश्यकता नहीं है। और विधायक के सरकारी निवास शिमला में वहां पर भी गाद लगी है, और उनके जो जहां निजी निवास गांव में है वहां पर भी गाद लगी है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत दुरुपयोग है। किसी व्यक्ति को कोई खतरा नहीं, अगर कोई उनको कोई जीवन के लिए कोई थ्रेट होता है, कोई जिंदगी के लिए कोई थ्रेट होता है तो समझ में आती बात, लेकिन ये तमाशा ही बना है हिमाचल प्रदेश में। सर, कांग्रेस जो बाकी नेता उनको भाजपा में शामिल किया है, इसकी जगह आगे भी आप ऐसे इशारे कर रहे हैं कि और नेता भी आ सकते हैं, तो क्या आपको लगता है जो आपके अपने नेता हैं वो ना खुश हैं, उनकी बलि दी जा रही है? देखिए, मैं इतना कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग पूरे देशभर में आए हैं, अभी भी आ रहे हैं। अभी ताजा ही घटना परसों की है कि तेजिंदर सिंह बिट्टू जो कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश के शायद सह प्रभारी थे, वो भी कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जो आना चाहता है ठीक प्रकार से, और पार्टी का नेतृत्व तो तय करता है कि इनको पार्टी में शामिल करना है, तो शामिल करने के लिए उन सबका अभिनंदन है जो आ रहे हैं। लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। हमारी पार्टी के लोग, उनके प्रति पार्टी का एक बड़ा सीधा सा कहना है, उनका सम्मान, उनके उनके साथ साथ में उनके लिए आने वाले समय में पार्टी में एक नहीं अनेकों चीजें हैं जिन बातों को लेकर के सब हम जो है विचार करें। 400 सीटों को लेकर एक तालिका कसा गया है कांग्रेस की तरफ। सुक्खू जी ने कहा है कि 400 सीटों का सपना देख रही है भाजपा, और ऐसा उन्हें लग रहा है कि उनके पास 400 कैंडिडेट भी नहीं है और ये एक दिखावा है। देखिए, हर कल में कुछ नहीं कहना, सुक्खू जी के बारे में कुछ कहना ही उचित नहीं है। वो बहुत ऐसी परिस्थिति के दौर में से गुजर रहे हैं, और किसी व्यक्ति के साथ अगर इस तरह की घटना घटित होती है जो हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से वो विचलित है, और इसलिए कुछ भी कहते हैं, कहीं भी कुछ कह देते हैं, तो इसलिए उनका उनकी बातों को अब किस तरह से लेने की आवश्यकता है। सर, परसों जो घटना घटी है पालमपुर में, उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि आपकी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है। सवाल ये है, सुबह मुख्यमंत्री उस परिवार से मिलते हैं, अभी थोड़ी देर में आप जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मानवीय संवेदनाओं का ये मसला, क्योंकि आचार संहिता भी लगी है, चुनाव आने हैं, राजनीतिक मसला बन जाएगा? देखिए, मुझे मालूम नहीं है मुख्यमंत्री जी मिले हैं नहीं मिले हैं, मुझे वो सारी चीज से कोई लड़ रहे हैं। हम मिले और वो कहाँ मिले हैं? और कहाँ मिले हैं मुझे मालूम नहीं, कहाँ मिले हैं और जानकारियां लेनी चाहिए। सड़क पर मिले हैं कहीं, हम घर जाके मिले, नेशनल हाईवे पे मिले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।